यमुनानगर के लालद्वारा कॉलोनी के नजदीक एक गोदाम पर सीएम फ्लाइंग द्वारा छापेमारी कर हजारों लीटर नकली घी बरामद हुआ है और इसे नकली घी इसलिए कहा जा रहा है कि इस घी पर कोई मार्का नहीं था। हालांकि गोदाम में पड़ी हुई क्रीम और मक्खन में कीड़े तक पड़े हुए थे, जिसको देखने के बाद सीएम फ्लाइंग ने मौके पर ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को बुला लिया। कई घंटों तक चली कार्यवाही के बाद सीएम फ्लाइंग ने यहां से बरामद हुए लगभग एक क्विंटल घी को बरामद किया है। फिलहाल टीम ने मौके से ही गोदाम में बड़े घी के सैंपल लेने शुरू कर दिए हैं। सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर नकली घी बाहर से आता है और ये आगे सप्लाई करते हैं और कच्चे बिलों पर सप्लाई करते हैं, पक्के बिल बाद में बनाते हैं यदि कोई कागज बाद में मांगता है तो। जिस बिना पर यहाँ आज सुबह मेरे स्टाफ के और अन्य कर्मचारियों की सहायता से रेड की गई, जो दौरान रेड ये अपना FSO श्री प्रेम सिंह और एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को बुलाया गया, जो अब अपना अपना सैंपलिंग कर रहे हैं और ETO बड़े अपना कागज वगैरह कब्जे में ले रहे हैं, जो काफ़ी मात्रा में यहाँ की बढ़ा हुआ है जो बाहर से आता है और अब उसको सैंपल लेने के बाद जैसा वो बताएंगे उसके बाद कार्रवाई में जाएंगे। सर 200 रुपये घी नकली घी मिल रहा है, 100 रुपये मिल रहा है, तो इसके आप क्या कहना चाहोगे कि ये घी कैसा? ये भी डुप्लीकेट है क्योंकि इसमें वो जो है ना जो 400 रुपये से ऊपर ही घी मिलता है देसी घी, वो कम में नहीं मिलता। ये आगे 200 रुपये के हिसाब से सप्लाई करते हैं लेकिन दुकान वाले आगे उसको 400 रुपये 450 साथ दे देते हैं। कुछ कीड़े पड़े हुए हैं? हाँ कुछ में कीड़े भी पड़े हुए हैं, क्या ना उसको जाना कहना उसको अब सैंपल लेंगे उसके हिसाब से जैसी कार्रवाई होगी उनके खिलाफ कार्रवाई में लाई जाएगी। रेट पड़ी है, मुझे तो नहीं पता क्यों रेट पड़ी है, हम तो डिस्ट्रीब्यूटर हैं इसके, तो हम कंपनियों से लेके माल बेचते हैं और कुछ नहीं। खराबी तो नहीं है, कुछ एक्सपायरी माल पड़ा है हमारे पास, जो कंपनियों ने हमने क्लेम किया हुआ वो वापस चला जाएगा, कंपनियों की लापरवाही है जो उन्होंने नहीं उठाया, वो क्लेम ही है जो हमारे पास क्लेम है, लिखित है उनका कंपनी का कि ये वापसी उठा। तो सर क्या मानते हैं जो दोष है वो कंपनियों का? सर कंपनी का ही दोष होता है, जो लेट होता है डिस्ट्रीब्यूटर का क्या लेट होता है, उसने पेमेंट लगाई है पैसा लगाया है वो वापसी लेना है, वो खा के बाहर भी नहीं फेंक सकता तब तक जब तक उसका पैसा नहीं आता।